से प्लेस के लिए मुश्किल बन चुकी है क्योंकि फ्रैंकलिन को पिक करने की कोशिश कर मैटिंग वहां पर मार्टिन को पिक करेंगे. दिस इज द फाइट दैट दे वांटेड. और अब मीकू देखिए डिजेवियर के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर कर चुके हैं. एक और प्लेयर को नॉक किया, आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं. ये फिनिश जरूर हो सकते हैं डिजेवियर के ऊपर. बहुत ही ज्यादा प्रेशर यहाँ पर मीकू अकेले बना चुके हैं. स्प्रे जा रहा है, डैमेज हो रहा है, बट क्या ये डैमेज एक्चुअली फिनिश कर पाएगा? एक और बार रीलोड, फिर से स्प्रे करने की कोशिश. नहीं, दूसरे एंगल पर देख रहे हैं स्मोक करके. मे भी अपनी जगह बदलना चाहिए लेकिन उतनी देर में रिवाइव किए जा सकते हैं. हिस्टल ट्राइंग, हिस्टल ट्राइंग, कहीं ना कहीं से एक और गोली. अगर एक गोली लग जाती है डिजेवियर खत्म थी उस समय. एग्जैक्टली, डिजेवियर के लिए यहाँ पे जो परेशानी क्रिएट करी है नावी ने उनको उनके ट्रैक्स पे रोक दिया है. ये बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग हो सकती है और किट्सुने की तरफ से यहाँ पे चार्जिंग किया जाएगा. प्लेयर्स रिवाइव हो चुके और व्हीकल ब्लो अप होती है. किट्सुने जाते हैं नॉक, लेकिन डिजेवियर के लिए भी दिक्कतें बढ़ चुकी क्योंकि जो प्लेयर रिवाइव हुए थे वो वापस से नॉक हो चुके हैं और नावी यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए नजर आते हैं. लेकिन नेड्स आ रहे हैं एनएसआर की तरफ से. एनएसआर के लिए दिक्कतें इस गेम की स्टार्टिंग में हो गई थी, बट दे आर स्टिल सर्वाइविंग. तीन किल्स यहाँ पे सिक्योर किया, चौथा कहीं ना कहीं हमको आता हुआ नजर आ सकता है. मेरे यहाँ पे टैप शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए, बट नावी ब्लैकनेस इंटरनेशनल को इस गेम से बाहर निकाल देती है. चार टीम्स, 10 प्लेयर्स अभी बचे. नावी के पास प्लेयर एडवांटेज तो है लेकिन किट्सुने धीरे धीरे ब्लीड आउट हो रहे हैं. मिक्यू डिस्टेंस क्लोजिंग करने की कोशिश करे लेकिन रस्ते में सबसे पहला कांटा जो है उसका नाम है डिजेवियर. लैम्बोर्गिनी को देखे रिवाइव के लिए जा रहे हैं, बट प्लेयर्स क्लोजिंग कर रहे हैं. लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे फाइट लेनी पड़ेगी, बट एचपी ना होने के कारण इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा. 3 टीम्स, 8 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग और चिकन डिनर हमको पता है किसके हाथ में जा रहा है. इट कैन बी नावी. अभी भी 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं. किट्सुने को रिवाइव दिया जा रहा है. एनएसआर की एचपी काफी ज्यादा कम. मिक्यू क्लोज इन कर रहे हैं एनएसआर की तरफ. मिरेकल अभी बचे, बट मैटिक के हाथ में एक कुक होता हुआ नेड काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है एंड इट्स क्वाइट क्लोज, बट थोड़ा सा शॉर्ट रह जाता है. एनएसआर प्लेयर्स को रिवाइव दिया जा रहा है, बट लूजोन भी क्लोजिंग कर रहा है. एक बहुत ही परफेक्ट नेड नावी की तरफ से आता हुआ. एक और नॉक, दूसरा नॉक यहाँ पे मिरेकल को किया जाएगा. मोमिन अकेले बचे और उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट डालने की कोशिश नावी की, बट फ्लैंक से अब मोमिन शॉट फायर करने की कोशिश करेंगे. एक प्लेयर को नॉक कर दिया. स्प्रे अभी भी कर रहे हैं. स्मोक का कवर उनके सामने काफी अच्छे से मौजूद है. नावी के लिए काफी अच्छा मोमेंट हो सकता है एंड दे सिक्योर इट एज वेल. एक बहुत ही ज्यादा